हेलो स्टूडेंट, मायसेल्फ इज अश्विनी कुमार पाठक एंड मायसेल्फ इज अश्विनी कुमार पाठक फ्रॉम लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार. सो इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द ईमेल एंड यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ द थिंग्स अबाउट द ईमेल. सो टुडे वी विल लर्न समथिंग मोर अबाउट इट, दैट इज़ द हाउ साइन इन टू जीमेल अकाउंट, downloading an attachment and adding signature to a mail. So all these are very important aspect of the email. So I hope that it will be beneficial for you in the future, because whenever you will go for the interview or you will do the job, so they will ask you to carry out such kind of the things through the email. So listen carefully and I will explain you in a very lucid manner. So start. जैसा मैंने कल बताया था कि जो email है, email stand for electronic mail. Email are used to send and receive text messages and document instantly. आप email बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही सस्ते, मतलब कि कुछ भी पैसा नहीं लगता है, आप जो है भेज सकते हैं कहीं पे भी, दुनिया के किसी भी कोने में. और ये जो है एक्यूरेट होता है, आपका एक यूनिक ईमेल आईडी होता है जिसके थ्रू आप भेजते हैं, जिसको भेजेंगे उसका भी एक यूनिक आईडी होता है. इट इज़ वन ऑफ द क्विकेस्ट एंड चीपेस्ट मीडियम ऑफ टू कम्युनिकेट विथ पीपल लिविंग इन डिस्टेंस. तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि बहुत ही फास्ट और बहुत ही कम पैसे में, या समझे कि कुछ भी नहीं लगता है इसको भेजने में, पैसे नहीं लगते हैं और ये दूर से दूर जगह पे भी ये पहुँच सकता है. सो देयर इज़ नो ज्योग्राफिकल बाउंडनेस फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल इफ़ दिस फैसिलिटी इज़ अवेलेबल ओवर देयर. यूजिंग ई मेल यू कैन शेयर सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली विथ मल्टीपल पीपल विदाउट स्पेंडिंग एन एक्स्ट्रा मनी. तो ई मेल के थ्रू जो है, आप ई मेल के थ्रू जो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं एक से ज़्यादा लोगों को, और वह भी जो है कुछ भी खर्चा किए बिना. तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है 21st century में, और आने वाले समय में इसमें और भी इम्प्रूवमेंट होगा, और ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है. इट इज़ एन इंस्टेंट मेथड टू शेयर इंफॉर्मेशन लाइक सेंड लेटर्स, पिक्चर्स, ग्राफिक, ऑडियोज, वीडियोज, प्रेजेंटेशन एंड सो ऑन विथ न्यूमरस पीपल एस अटैचमेंट्स थ्रू ईमेल. तो आप जो है अपना लेटर, पिक्चर, ग्राफिक, ऑडियोज, वीडियोज, प्रेजेंटेशन, कोई भी चीज़ हो, वो जो है अपने ईमेल में अटैचमेंट यानी कि उसमें जोड़ करके भेज सकते हैं. लेकिन याद रखिएगा कि जो जीमेल है, वो जो अटैचमेंट हम भेजते हैं वह 25 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका साइज. तो ये ध्यान में रख के हम उसको अटैचमेंट को भेज सकते हैं आसानी से. अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड टॉपिक पे, जो आपका सेकंड टॉपिक यहाँ पे दिख रहा है, साइनिंग इनटू जीमेल अकाउंट. क्योंकि हमारे बुक में जो है जीमेल के बारे में बताया गया है, तो हम इसी के बारे में अभी बात करेंगे. वैसे तो बहुत ही सारी मेलिंग कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं आपको, लेकिन यहाँ पे हम जीमेल के अकाउंट के बारे में बात करेंगे. तो हम कैसे इसके अंदर जो है अपना जो है साइन इन करें. साइन इन मतलब कि जो है उसका अकाउंट में जो है हम अपना ओपन करें इनबॉक्स. इन द प्रीवियस क्लास, जैसे मैंने आपको बताया, यू हैव लर्नड हाउ टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट इन जीमेल. मैंने बताया था अपने प्रीवियस वीडियोज़ में कि कैसे ईमेल अकाउंट क्रिएट किया जाता है. सो हियर वी एज्यूम दैट यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट इन जीमेल. तो मैं समझ सकता हूँ कि सपोज यू हैव एन ईमेल अकाउंट, यानी कि आपके पास एक ईमेल अकाउंट है, और चलते हैं हम कैसे इसको लॉगिन करते हैं इसके अंदर. लेट अस लॉगिन टू योर जीमेल अकाउंट, फॉलो दिस स्टेप्स. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहला स्टेप है ओपन ए ब्राउज़र से गूगल क्रोम बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट्स आइकन ऑन द डेस्कटॉप. तो आप गूगल जो क्रोम है, एक वेब ब्राउज़र है बहुत ही फेमस है, उस पर आप डबल क्लिक करिए, ओपन हो जाएगा. टाइप www.gmail.com इन द एड्रेस बार.
तो जो ब्राउज़र का एड्रेस बार होता है उसमें www.gmail.com आप लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद द साइन इन पेज ऑफ जीमेल अपीयर्स एज सून इन द फिगर 8.1। तो जो साइन इन का यहाँ पे एक फिगर आएगा आपके सामने, यहाँ आप देख सकते हैं आपका साइन इन का ये जो है पूरा फिगर है, फिगर 8.1। आप अपने बुक से भी देख सकते हैं पेज नंबर 117 पे। तो इस तरह से साइन इन का पेज ओपन होगा। इंटर योर ईमेल एड्रेस, वहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस अपना डालना होगा एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट और प्रेस इंटर। उसके बाद या तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए या इंटर प्रेस करिए। फिफ्थ पॉइंट है जीमेल डायरेक्ट द यूज़र टू द न्यू स्क्रीन सो दैट दे कैन इंटर द पासवर्ड। तो ये जैसे ही आप अपना एड्रेस डालेंगे और नेक्स्ट प्रेस करेंगे वो जो है आपको दूसरे पेज पे लेके जाएगा। जैसे नेक्स्ट प्रेस करेंगे वहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना होगा। और मान लीजिए अगर आपने अपना पासवर्ड भूल गए हैं, आपको याद नहीं आ रहा, बहुत दिन के बाद आप जीमेल यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपसे पूछेगा कि आपका पासवर्ड इनकरेक्ट है, तो बहुत सारा वो आपको ऑप्शन देगा ताकि आप अपना पासवर्ड रिट्राइव कर सकें, वापस पा सकें। जैसे कि फॉर्म भरते समय आप डेट ऑफ बर्थ अपना डाले होंगे, पेरेंट्स का नेम डाले होंगे और प्लेस ऑफ बर्थ डाले होंगे, तो वो सारी चीज़ें आपसे पूछेगा। पूछने के बाद अगर वो एक्यूरेट रहेगा तो फिर वो जो है आपका पासवर्ड रिट्राइव हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा, जब आप ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुके हैं ऑन स्क्रीन पे यानी कि जीमेल पे, तो हम जो है एक अटैचमेंट इन द सेंस जो मैंने आपको बताया, ऑडियो वीडियो लेटर्स पिक्चर ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन जो भी आपको भेजना है वो अपने लेटर ईमेल में टाइप किए, एड्रेस डाले और उसमें अटैचमेंट हमें लगाना रहता है ताकि वो जो है अपने सही जगह पे पहुंच सके। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए एक फिगर है ये अटैचमेंट वाला, आप अपने स्क्रीन पे ये देख सकते हैं। ये अटैचमेंट जो है डाउनलोड करने के लिए होता है, तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। तो उसके पहले जो है अटैचमेंट का आप फिगर एक देखेंगे तो वो आपके जो इनबॉक्स होता है उसके नीचे जो है एक पिन की तरह बना होता है। तो वो जो पिन होती है उसको अगर आप जैसे क्लिक करेंगे तो वो आपको जो है दूसरे एक विंडो में लेके जाएगा जहाँ से आप जो है ब्राउज़र के थ्रू जो है जो भी फाइलें होंगी उसको आप अटैच कर सकते हैं। आगे आपको बताया जाएगा कि कैसे ये अटैच होता है। तो सबसे पहले डाउनलोडिंग एन अटैचमेंट मींस टू सेव द कॉपी ऑफ एन अटैचमेंट इन ए कंप्यूटर सिस्टम। तो अगर आप अटैचमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि वो ऑटोमेटिकली वो जो फाइल है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो है सेव हो गई है। टू डाउनलोड एन अटैचमेंट फॉलो दिस स्टेप्स। तो जब अटैचमेंट आपको डाउनलोड करना रहता है तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। जैसे कि ओपन एन ईमेल दैट हैज़ एन अटैचमेंट। तो ईमेल आप अपना बॉक्स खोलिए, उसमें आप जो भी करना है टाइप करिए, सब्जेक्ट टू पहले लिखना होगा किसको भेजना है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद नीचे जो भी आप अपना इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं इंफॉर्मेशन दीजिए, उसके बाद हम अटैचमेंट की तरफ बढ़ेंगे। यू विल नोटिस दैट द अटैचमेंट अपीयर्स एज ए थंबनेल बिलो द ईमेल मैसेज। तो ईमेल मैसेज के नीचे जो है आप एक थंबनेल देखेंगे, वहाँ पे अटैचमेंट का ऑप्शन दिया रहता है। प्लेस द पॉइंटर ओवर द थंबनेल, क्लिक ऑन द डाउनलोड आइकन। तो यहाँ पे डाउनलोड आइकन यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड यहाँ पे है, अब इसको जो है यहाँ से डाउनलोड करना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। टू व्यू द फाइल बिफोर डाउनलोडिंग क्लिक ऑन द अपर पार्ट ऑफ द थंबनेल। अगर आप फाइल डाउनलोड होने से पहले अगर देखना चाहते हैं कि क्या वही फाइल है जो हम भेजना चाहते हैं तो थंबनेल पे एक बार जो है आप क्लिक करके देख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाउनलोडिंग बिगिंस, यू कैन चेक द स्टेटस ऑफ अपलोड एज द स्टेटस बार।
The file automatically gets saved in the downloads folder. तो जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा वह जो है फाइल आपको वहाँ पे शो करेगा कि ये फाइल जो है डाउनलोड हो गई. एक ब्लू कलर की लाइन आती रहती है. जब वो कंप्लीट हो जाती है तो वो डाउनलोड समझिए कि हो गया है. टू कन्फर्म द डाउनलोड गो टू द डाउनलोड्स फोल्डर. अब दोबारा भी अगर आप चेक करना चाहते हैं कि डाउनलोड हुआ है कि नहीं, उसके लिए आप डाउनलोड्स फोल्डर में जाके चेक कर सकते हैं. यहाँ पे ईवा स्कूल टिप आपको बता रहा है, टू सेंड एन ईमेल टू मल्टीपल रिसीवर्स ऑफ द सेम टाइम सिंपली टाइप द ईमेल एड्रेसेस इन द टू फोल्डर. जहाँ पे टू लिखा होता है उस फोल्डर में अगर आप एक से ज़्यादा व्यक्ति को भेजना चाहते हैं तो उनका ईमेल एड्रेस लिखिए, फिर कामा लगाइए, फिर स्पेस दीजिए, फिर जितने लोगों को भेजना है उनका ईमेल एड्रेस लिख के उसको जो है आप फॉरवर्ड कर सकते हैं. क्लिक ऑन द सीसी एंड बीसीसी. तो ये सीसी क्या होता है, अगर आप एक डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रखना चाहते हैं तो वो डुप्लीकेट कॉपी आपके पास मतलब रह जाएगी, यानी कार्बन कॉपी. सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी. ऑप्शंस, इफ़ यू वांट टू सेंड द ईमेल कॉपी ऑफ एन ईमेल टू अदर रिसीवर्स एज वेल. तो ये कार्बन कॉपी आपके पास भी रहेगी और दूसरों को भी अगर वो भेजना हो फ्यूचर में तो आप भेज सकते हैं. तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे सीखा. अब दूसरी जो बात है, एडिंग सिग्नेचर टू ए मेल. अब ये एडिंग सिग्नेचर टू ए मेल क्या चीज़ होती है उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है. सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिग्नेचर मतलब क्या होता है. आप कभी भी लेटर में देखे होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं जब लेटर लिखते हैं तो उसके नीचे जो है अपना नाम लिखते हैं, डेजिग्नेशन लिखते हैं, या फिर अपना एड्रेस या डेट जो भी लिखना रहता है वो लिख सकते हैं ऊपर या नीचे. तो सिग्नेचर यानी ईमेल में भी होता है, इसलिए ये सारी व्यवस्था आपके लिए की गई है. तो चलिए हम इस सिग्नेचर के बारे में भी बात कर लेते हैं. When you write an application, you always add your name, roll number and class at the end of the letter, which makes the receiver know the details of the sender. अभी आप स्टूडेंट हैं तो जब आप कभी भी लेटर लिखते हैं प्रिंसिपल सर को या कोई भी अथॉरिटी है उनको, तो लेटर के नीचे जो है आप अपना नाम लिखते हैं, रोल नंबर लिखते हैं, क्लास लिखते हैं एंड में लेटर के, और विच मेक्स द रिसीवर, जिसे भी वो लेटर मिलेगा वो आपके डिटेल को समझ जाएगा कि ये जो है किसने भेजा है. व्हेन यू राइट एन ईमेल यू कैन ऐड योर नेम कॉन्टैक्ट डिटेल्स एट द एंड ऑफ द मैसेज. उसी तरह से ईमेल में जो है आप अपने ये सारी चीज़ें जो है व्यवस्थित तरीके से जो है मैनेज करके लिख सकते हैं. बट इंस्टेड ऑफ डूइंग इट मैनुअली ईच टाइम यू कैन यूज़ द सिग्नेचर फीचर. तो ये आपको बार बार ना करना पड़े, दोहराना ना पड़े, उसके लिए जो है एक सिग्नेचर फीचर दिया हुआ है ईमेल में. उसे आप एक बार कर देंगे तो वो बार बार आपको करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली जो है सेट हो जाएगा. सिग्नेचर रिफर्स टू ए पीस ऑफ पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन विच कुड बी ए नेम, डेजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कंपनी नेम, एक्वेटेशन एंड सो ऑन. तो ये जो सिग्नेचर फीचर्स है ये कुछ और नहीं है, ये व्यक्तिगत तौर पर हमारा जो इन्फॉर्मेशन होता है उसमें अपना नाम होता है, डेजिग्नेशन किस पद पे हैं, क्या कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, कंपनी का नाम क्या है, एक्वेटेशन यानी कुछ और लिखना चाहते हैं थोड़ा सा डिटेल, वो सारी चीज़ें होती हैं. ए सिग्नेचर इज़ ऑटोमेटिकली एडेड एट द एंड ऑफ एन ईमेल मैसेज. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ईमेल के लास्ट में जो है जुड़ जाती हैं. तो हम ये सारी चीज़ें जो है कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए. यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हिस्सा है सिग्नेचर के लिए है, लेकिन ये आएगा कैसे. पहला है टू क्रिएट ए सिग्नेचर फॉलो दिस स्टेप्स. तो कुछ हमें स्टेप्स फॉलो करने होंगे जहाँ हम वहाँ पहुँचेंगे. पहला, एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द जीमेल विंडो, यानी टॉप राइट कॉर्नर में अगर आप जीमेल विंडो में जाएंगे, क्लिक ऑन द सेटिंग्स. तो ये आपको सेटिंग्स में जाना होगा. तो ये जो सेटिंग्स होती है ये आप यहाँ पे
आराम से देख सकते हैं। ये सेटिंग का एरिया है जो बना हुआ है छोटा सा, ये सेटिंग है ऑप्शन, उस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट द सेटिंग्स ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेनू, जैसे फिगर 8.3 में आपको दिखाया गया है। 8.3 कुछ और नहीं, ये आपका 8.3 यही फिगर है। स्क्रीन अपीयर्स इन द राइट पैन, मेक श्योर द जनरल टैब इज सेलेक्टेड। अब आपको वहाँ पे सेटिंग में जनरल टैब जो है सेलेक्ट करना है। स्क्रॉल डाउन टू लोकेट द सिग्नेचर सेक्शन, वहाँ पे आपको स्क्रॉल करते हुए सिग्नेचर का जो ऑप्शन होता है यानी कि यहाँ पे आना होगा और सिग्नेचर को क्लिक करना होगा। वहाँ पे टाइप द टेक्स्ट दैट यू विश टू अपीयर एज योर सिग्नेचर एट द एंड ऑफ एवरी ईमेल मैसेज। तो ये चीज़ें जो हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरे हर ईमेल में आए, तो यहाँ पे आपको पर्सनलाइज जो भी डिटेल्स रहते हैं लिखने होंगे। अब आते हैं नीचे, यूज़ द फॉर्मेटिंग टूल्स इन ऑर्डर टू फॉर्मेट द टेक्स्ट। और फॉर्मेटिंग टूल्स अगर आपको चाहिए तो ये फॉर्मेटिंग, तो टेक्स्ट को फॉर्मेट करना होगा। फिफ्थ पॉइंट जो आपका यहाँ पे है, ये फिफ्थ पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो ऊपर वाला है। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, स्क्रॉल डाउन टू रीच द बॉटम ऑफ द पेज एंड क्लिक ऑन द सेव चेंजेस बटन। तो सेव चेंजेस बटन है यहाँ पे सबसे बॉटम में, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो आपका फिगर 8.4 है, 8.4 जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 8.4 यहाँ पे जाएंगे तो नीचे जो है यहाँ बता रहा है नो सिग्नेचर, और यहाँ पे अपेंडेड एट द एंड ऑफ ऑल आउटगोइंग मैसेज, ठीक है। तो ये अगर आप नीचे वाली बटन यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये, तो उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये सारे मैसेज जो हैं आपको डिटेल में हर लेटर के नीचे जो है आता चला जाएगा। तो इसी को कहते हैं एडिंग सिग्नेचर टू ए मेल। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि जब भी अगर आप मेल में सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं तो इस तरह से ऐड कर सकते हैं। सो आई होप दैट इट विल हेल्प यू टू ए ग्रेट एक्सटेंट। और अटैचमेंट कहाँ से किया जाता है, जब आप ईमेल अपना ओपन करेंगे तो नीचे जो है ये आपको दिखाई देगा अटैचमेंट का ऑप्शन, वहाँ से आप कर सकते हैं। और या कभी मौका मिला तो मैं आपको लैब में भी वो चीज़ दिखा देंगे कि कैसे ईमेल जो है सेंड किया जाता है अटैचमेंट के साथ में। सो आई होप दैट यू आर क्वाइट अवेयर अबाउट इट, एंड आई विल इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच अबाउट मैनेजिंग कॉन्टेक्स्ट इन जीमेल अकाउंट। तो जीमेल अकाउंट्स में जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे लोगों का अकाउंट्स होता है, उसको हम कैसे मैनेज करें उसके बारे में हम बात करेंगे। सो फार हैव ए नाइस डे, एंड आई होप दैट यू आर ऑल्सो कीपिंग योर स्टडी इन ए प्रॉपर ऑर्डर एंड बी रेडी फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।